पर चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भोपाल से खबर मिल रही है, कल से विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। एकजुटता का संदेश देती हुई कांग्रेस नजर आएगी। सुबह 10 बजे पीसीसी पर कांग्रेस के विधायक जुटेंगे, पीसीसी से एक साथ विधानसभा के लिए रवाना होंगे और एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की जाएगी। तो कल से विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है, मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र। और इस सत्र से पहले कांग्रेस के विधायक सुबह 10 बजे पीसीसी पर जुटेंगे और पीसीसी से एक साथ विधानसभा के लिए रवाना होंगे। तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार विधायकों की अगुवाई करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सूरज शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूरज, क्या कुछ कार्यक्रम कल कांग्रेस करने वाली है? विधानसभा का विशेष सत्र, लेकिन एक संदेश देने की कोशिश करेगी कांग्रेस? देखिए, बिल्कुल, विधानसभा का विशेष सत्र है, चूंकि 2023 के परिणाम के बाद ये पहला सत्र हो रहा है। ऐसे में खासतौर से विधायकों की शपथ होना है, साथ ही कांग्रेस की तरफ से नए प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उमंग सिंगार और उप नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हेमंत कटारे के हाथों में बागडोर सौंपी। ऐसे में कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाना और ताकत दिखाना भी कांग्रेस के लिए आवश्यक है चुनाव की दृष्टि से। यही कारण है कि तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो 66 विधायक एक साथ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से 10 बजे विधानसभा के लिए रवाना होंगे। तो नए नेताओं के साथ युवाओं के हाथ में इस बार कांग्रेस ने कमान सौंपी है और पहला मौका है जब उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन में पहुंचेंगे। इसके पहले उनकी बुआ जमुना देवी भी नेता प्रतिपक्ष रह चुकी हैं, लेकिन ये इस बार हमने देखा बहुत अलग बदलाव किया है। युवाओं के हाथ में बागडोर सौंपी है, सदन के नेता के तौर पर उमंग सिंगार है। तो अब देखना ये होगा कि 4 से 5 दिन में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उमंग सिंगार कैसे एक साथ संगठित होकर अपने विधायकों के साथ आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से मुद्दे जनता के जो है वो सदन में उठाते रहे। तो बिल्कुल सूरज, इस पर सभी की निगाहें होंगी कि कौन से मुद्दे उठाती हुई कांग्रेस विधानसभा में नजर आएगी। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और चलिए अब रुक कर लेते हैं।